राफाल सत्ते के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर हावी होती जा रही थी। यह देख अब भाजपा भी फ्रंट फुट पर आ गई है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ खुलेआम अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जो सरासर गलत है। इस पर इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाने चाहिए और उचित कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। रोष प्रकट करते हुए भाजपा नेता राजेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर कांग्रेस नेता लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जो अब बर्दाश्त से बाहर है, और इसलिए उन्होंने उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा है ताकि इलेक्शन कमीशन इस पर कड़ा संज्ञान ले और उचित कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी रोष पनप रहा है। अगर अभी भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी वाणी पर विराम नहीं लगाया तो भाजपा इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो महज कांग्रेस ही इस पर आपत्ति दर्ज करवा रही थी, लेकिन अब उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने भी सतपाल सत्ती के खिलाफ नोटिस निकाल दिया है और 24 घंटे के भीतर उनसे इस मामले में जवाब मांगा है। अगर वे इसका जवाब नहीं देते हैं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही नहीं, उपायुक्त ने एक रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन को भी भेज दी है, जिसमें इस घटना का पूरा जिक्र किया गया है। उपायुक्त सोलन ने सतपाल सत्ती के खिलाफ एसपी नालागढ़ को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मदन हिमाचली ने उपायुक्त सोलन द्वारा उठाए गए इस कदम को स्वागत योग्य कहा है। उन्होंने कहा कि आज राजनीति अपने स्तर से नीचे गिरती जा रही है और यही समय है कि प्रशासनिक अधिकारी और इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उपायुक्त सोलन ने सख्त कदम उठाकर उन नेताओं पर नकेल कसी है जो अभद्र टिप्पणियां कर सुर्खियां में बने रहते हैं। राजनीति के गिरते स्तर को देखकर मतदाता बेहद आहत नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि चुनावों को मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दल सभी मर्यादाओं को लांघकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं और अपने आप को पार्टी का वफादार साबित करने के लिए वे किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक दल जो देश को संभालने का दावा करते हैं, वे खुद पथभ्रष्ट हो चुके हैं। उन्हें सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। रोष प्रकट करते हुए मतदाताओं ने कहा कि आज राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि राजनेता जनता से जुड़े मुद्दों को भूलकर एक दूसरे को भला बुरा कहने और गालियां देने में व्यस्त हैं और शालीनता की सभी हदें पार कर रहे हैं, जिसके चलते कभी कभी चुनाव का बहिष्कार करने का भी मन करता है। उन्होंने कहा कि पहले भी चुनाव होते थे तो सभी दल विकास की और नई योजनाओं की बात करते थे, लेकिन आज गाली गलौज और एक दूसरे को भला बुरा कहकर ही काम सार रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे कई गौण हो चुके हैं। सोलन में हो रही बेमौसमी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, क्योंकि किसान न पक्की फसल को काट पा रहा है और न ही नए पौधों की बिजाई कर पा रहा है, जिसके चलते अन्नदाता परेशान है और सरकार से सहायता की उम्मीद लगा रहा है। आपको बता दें कि सोलन में टमाटर और मटर यहां की नकदी फसलें हैं, लेकिन न टमाटर को बीज पा रहे हैं और न मटर की फसल का तुड़ान कर पा रहे हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि उन्होंने खेतों को बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन जमीन गीली होने के कारण टमाटर, शिमला मिर्च और पहाड़ी मिर्च की बुआई नहीं हो पा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मटर, लहसुन, गेहूं, जौ की फसल तैयार है, लेकिन बारिश होने की वजह से
उन्हें वे काट नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब होने की कगार पर है। यही कारण है कि उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। खर्चों में कई तरह की कटौतियां करने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि वे इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दें और कुछ मुआवजा उपलब्ध करवाएं, ताकि उनका घर खर्च चल सके। किसानों के लिए कोई इस तरह की योजनाएं बनाई जाएं, जिससे कि जो बारिश से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए उन्हें तुरंत जो है वो सहायता राशि मिलनी चाहिए। तो जो बारिश हो रही है, इससे हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जैसे हमें अभी हमारी टमाटर की रुपाई होनी थी, नहीं हो पा रही है। हमारा लहसुन खराब हो गया है, और जो भी फसलें थी सारे गेहूँ वगैरह खराब हो रहा है। इस बारिश से नुकसान ही नुकसान है जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है।